जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज के विशेष जानकारी में हम बात करेंगे जून माह में बन रहे सभी शुभ और अशुभ योग कब कब है और क्या दिन तारीख है, क्या समय रहेगा। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। जून माह में सबसे पहले 1 तारीख को, 1 जून को सूर्य उदय से लेकर 1 जून के ही दोपहर 1 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। फिर इसके बाद 2 तारीख को भी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। 2 जून को शाम को 4:04 से लेकर 3 जून की शाम को 7:05 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 9 जून को सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:31 से लेकर 9 जून के सूर्य उदय तक कुछ ही 2-2.5 घंटों का ये समय रहेगा। फिर इसके बाद 11 जून को सूर्य उदय से लेकर 12 जून की रात्रि अर्थात अर्ली मॉर्निंग 12 जून को 2:05 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 13 जून को सूर्य उदय से लेकर 13 जून की रात्रि 9:24 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 17 जून को रहेगा सुबह 9:56 से लेकर 18 जून की सुबह 7:39 तक रहेगा। फिर इसके बाद 21 जून को सूर्य उदय से लेकर 22 जून के अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:03 तक। फिर इसके बाद 23 जून को सूर्य उदय से लेकर 24 जून को सुबह 8:04 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 27 जून को सूर्य उदय से लेकर 28 जून के सूर्य उदय तक पूरा दिन रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद 30 जून को सूर्य उदय से लेकर 1 जुलाई के सूर्य उदय तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। चलिए बात करते हैं अमृत सिद्धि योग। इस महीने में 2 बार अमृत सिद्धि योग बन रहा है। तो पहला योग बन रहा है 27 जून को और दूसरा बन रहा है 21 तारीख को। 27 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमृत सिद्धि योग भी है। तो 27 जून को शाम को 4:02 से लेकर 28 जून के सूर्य उदय तक रहेगा अमृत सिद्धि योग। फिर इसके बाद 30 तारीख को 30 जून को रात को 11:07 से लेकर 1 जुलाई के सूर्य उदय तक, ये भी कुछ घंटों का समय है। जून महीने में केवल 2 बार अमृत सिद्धि योग बन रहा है। फिर इसके बाद रवि योग कब कब बन रहा है, देखिए 2 जून को शाम को 4:04 से लेकर 3 जून की शाम को 7:05 तक रवि योग बन रहा है। फिर इसके बाद 4 जून को रात को 11:55 से लेकर 5 जून की रात को 12:25 तक रहेगा रवि योग। फिर इसके बाद 8 जून को अर्ली मॉर्निंग 3:50 से लेकर 8 जून की दोपहर 12:37 तक रहेगा रवि योग। फिर इसके बाद 9 जून को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:31 से लेकर 11 जून को अर्ली मॉर्निंग 3:37 तक रहेगा रवि योग। फिर इसके बाद 12 जून को, 12 जून को रहेगा रात को 11:59 से लेकर 13 जून की रात्रि 9:24 तक। तो ये था रवि योग कब कब रहेगा। फिर इसके बाद यम घंटक योग और ज्वालामुखी योग। इस महीने में 2 बार बन रहा है यम घंटक योग और 1 बार बन रहा है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य ना तो आरंभ करें ना ही कोई शुभ खरीदारी करें। अगर आप अपने दुश्मनों को परास्त करना चाहते हैं तो आप शत्रु निवारण उपाय मंत्र जाप होते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन अहित किसी का नहीं करना चाहिए। अहित ना सोचें और दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो उसे शांत करने के लिए कोई भी उपाय आप कर सकते हैं या उसे मित्र बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो ज्वालामुखी योग रहेगा 14 जून को। 14 जून आप डेट नोट करके रख लीजिए। 14 जून को 6:32 से लेकर 15 जून की दोपहर
1:32 तक। बहुत लंबे समय तक ये योग बना रहेगा, तो इस समय में आपको विशेष ध्यान देना है। किसी से लड़ाई झगड़ा बहसबाजी आदि बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि शुभ कार्यों में असफलता ही हाथ लगेगी। यम घंटक ज्वालामुखी ये ऐसे योग होते हैं जिनमें तांत्रिक साधना होती है। किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, त्राटक वशीकरण करने के लिए, इस प्रकार से अपने शत्रु को परास्त करने के लिए ऐसे उपाय किए जाते हैं। तो घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए ज्वालामुखी योग में कुछ भी करना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए केवल और केवल आप इसमें अपने सात्विक मंत्र जाप करें, जिनका आपको कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद यमघंटक योग। यमघंटक योग का समय रहेगा 5 जून रात्रि 12:25 से लेकर 6 जून के सूर्योदय तक। फिर इसके बाद 15 जून को सूर्योदय से लेकर 15 जून की ही दोपहर 3:33 तक रहेगा यम घंटक योग। इस महीने दो ही बार यम घंटक योग है, और बहुत सावधानी पूर्वक आप इन डेट्स को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग इस माह में 3 बार बन रहा है। तो पहला योग बन रहा है 12 जून को। 12 जून को अर्ली मॉर्निंग सुबह 2:05 से लेकर 12 जून के ही अर्ली मॉर्निंग 3:24। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, केवल और केवल 1.25 घंटे का ये समय है, तो मध्य रात्रि का समय है। ये समय केवल और केवल विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है। इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए तो रात को आधी रात को क्या कोई कार्य करेगा। तो फिर इसके बाद 20 जून को अर्ली मॉर्निंग 4:53 से लेकर 20 जून को सूर्य उदय तक रहेगा त्रिपुष्कर योग। ये समय भी लगभग अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाएगा। फिर इसके बाद 25 जून को त्रिपुष्कर योग लग रहा है सुबह 10:24 से लेकर 26 जून की अर्ली मॉर्निंग 1:10 तक। तो ये लंबा समय है, पूरा दिन है। 25 तारीख को आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं जिसमें आप 3 गुना लाभ पाना चाहते हैं। तो त्रिपुष्कर योग में हमेशा जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें 3 गुना लाभ मिलता है। जैसे पिछली वीडियो में बताया, द्विपुष्कर योग में 2 गुना लाभ होता है, त्रिपुष्कर योग में 3 गुना लाभ होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक मुख्य योग इस माह में बन रहा है, गुरु पुष्य योग। इसके बारे में आपको अलग से पूरी डिटेल में वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत विशेष जानकारी है ये, इसे अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी इसका भरपूर लाभ ले पाएं। और शुभ योग जो भी होते हैं इन्हें आप या तो नोट करके रख लिया करें या फिर वीडियो को सेव करके रख लिया करें, ताकि ये डेट्स आप स्किप ना कर पाएं और आप इनका सही समय पर लाभ ले पाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।